सभी पैरालिसिस पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस कराते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट्स को रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस कराते रहते हैं, जिसके बाद उनकी मसल्स एकोमोडेट हो जाती हैं और फर्दर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम पेशेंट्स को थोड़ा सा रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस, लेकिन किसकी हेल्प से, दैट इज वेट कफ। वेट कफ की हेल्प से कैसे हम पेशेंट्स को, स्पेशली पैरालिसिस पेशेंट्स को, थोड़ी सी मॉडिफाइड एज वेल एज थोड़ी सी रेजिस्टेंस के साथ एक्सरसाइजेस कैसे कराएंगे, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम जनरली पेशेंट्स पे फोकस करते हैं कि हम उन्हें बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराएं, सुबह शाम एक्सरसाइजेस कराएं, नंबर ऑफ रिपीटेशंस 30, 40, 50 कितने भी कराएं। लेकिन आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आप एक्सरसाइजेस करा रहे हो, जो आप रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस पेशेंट्स को करा रहे हो, क्या उनका बेनिफिट पेशेंट्स के मसल्स पे हो रहा है, क्या उसका बेनिफिट पेशेंट्स की रिकवरी पे हो भी रहा है या नहीं। क्योंकि हमारा फोकस क्या होता है कि हम पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस कराते चले जाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब तक पैरालिसिस के पेशेंट्स नंबर ऑफ रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होंगे। आई डू एग्री कि पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लेकिन क्या जो वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो करेक्ट हैं, क्या वो मॉडिफाइड हो रही हैं, या फिर एक रिदमिक पैटर्न में आप सेम ही एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हो। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इस वेट कफ की हेल्प से, ये वेट कफ आपको ऑनलाइन कहीं भी अवेलेबल हो सकता है या फिर आपको स्पोर्ट्स शॉप पे भी इजीली मिल सकता है। तो जब भी आपकी थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाए, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनिशियल स्टेज में ही वेट कफ के साथ एक्सरसाइजेस कर लें, तो नहीं। जब आपकी रिकवरी थोड़ी सी लेटर स्टेजेस में आ जाए, जब आप स्टेज वन स्टेज टू में आ जाए, जब आपकी एक्टिविटीज़ हो पा रही हो, जब आपका हाथ उठ पा रहा हो और आप थोड़ा बहुत वेट ले पा रहे हो, थोड़ा बहुत वेट इन द सेंस कि आप अपना कप पकड़ पा रहे हो, कप ऑफ टी पकड़ पा रहे हो, या फिर आप अपना ग्लास ऑफ वाटर पकड़ पा रहे हो, आप जब भी आप छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स ग्रैब कर पा रहे हो, तब गो फॉर वेट कफ्स। क्योंकि वेट कफ से क्या होगा, आपकी एक्सरसाइजेस मॉडिफाइड होंगी, आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो मसल्स हैं जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ के बाद एकोमोडेट हो चुके हैं, एकोमोडेट मतलब मसल्स को आदत पड़ चुकी है सेम एक्टिविटीज़ डेली करने की। तो जब तक आप अपनी मसल्स पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस नहीं डालोगे, जब तक आपको फर्दर रिकवरी नहीं मिलेगी। और पेशेंट्स की रिकवरी वहीं पे स्टैटिक हो चुकी होती है, स्टैटिक इन द सेंस पेशेंट्स को खुद ऐसा महसूस होगा कि ये एक्सरसाइजेस तो मैं डेली करता हूँ, मुझे तो रिकवरी मिल ही नहीं रही है। या फिर बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट एक्सरसाइजेस करना छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने एक्सरसाइजेस में कुछ ऐसा फंक्शनल नहीं नज़र आ रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम डेली रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं लेकिन इनका असर नहीं हो रहा। तो पेशेंट्स को इस डायलेमा से बाहर निकालने के लिए, पेशेंट्स को माइंड फ्री करने के लिए कि उनकी रिकवरी हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, जब तक वो वेट लेना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वेट कफ के साथ दो मॉडिफाइड एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पेशेंट थोड़ा बहुत वेट ले भी पा रहा है अपने हाथ पे या फिर नहीं, तो उसके लिए करना क्या है, आपको उनके हाथ में वेट कफ देना है और ये कोशिश करनी है कि वो विदाउट एनी सपोर्ट उसको ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम पेशेंट्स के हाथ में वेट देते हैं और वो गिर जाता है, तो आपको इस सिचुएशन से पेशेंट्स को बचाना है, क्योंकि उससे क्या होता है उनके हाथ में डिसलोकेशन भी हो सकती है, उनकी रिस्ट भी डिसलोकेट हो सकती है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, ये एक प्रिकॉशन है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो वेट बहुत ज़्यादा ना हो। ये जो वेट अभी मेरे हाथ में है, इट्स ऑफ 0.5 kg, तो आपको इनिशियली सबसे लीस्ट अमाउंट से स्टार्ट करना है कि पेशेंट्स पे ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े और वो एक्सरसाइजेस धीरे धीरे कर सके, वो अपने रिपीटेशंस धीरे धीरे बढ़ा सके। तो आपको करना क्या है, आपको पेशेंट्स के हाथ में ये दे देना है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा बहुत सपोर्ट उनके हाथ में दोगे। आप एकदम आइडियली पेशेंट को ऐसे नहीं दे सकते कि ये पकड़ लीजिए और एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत बार सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, पेशेंट्स के मसल इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है कि वो खुद से विदाउट एनी सपोर्ट परफॉर्म कर पाए। तो एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए आपको यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट देना है, बहुत ज़्यादा भी सपोर्ट नहीं देना कि आप पूरा प्रेशर अपने हाथ पे ले रहे हो, बहुत हल्का, बस आपको इतना कि आप अपने फिंगर्स को टच करा लीजिए, बहुत माइल्ड आपको सपोर्ट देना है। और आपको पेशेंट से रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस करानी है। कैसे करानी है, अभी मेरा हैंड एकदम स्ट्रेट है, तो ध्यान हमें क्या रखना है कि पेशेंट को थोड़ा सा बस हाथ लिफ्ट कराना है, बहुत माइन्यूट स्टार्टिंग में, और ये रिपीटेशंस उनको एटलीस्ट 5 times करना है। मैंने पहले रिपीट किया इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में आप सिर्फ 5 times रिपीट करोगे। यहाँ पे आप अपना हाथ रख सकते हो प्लेसमेंट के लिए और सपोर्ट के लिए, या फिर यहाँ पे भी थेरेपिस्ट या फिर कोई भी केयर टेकर है अपना हाथ रख सकते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ना बढ़े। क्योंकि अभी जो ये वाली पोजिशन है ये एंटी ग्रेविटी है, और जब भी हम एंटी ग्रेविटी कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियस है कि पेशेंट का हाथ बार बार नीचे गिरेगा।
तो आपको इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हल्का सा सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। धीरे धीरे आप ये रेपिटेशन परफॉर्म कराएंगे और 5 रेपिटेशन के बाद अगर पेशेंट्स 5 से 7 दिनों के बाद ये ईजिली परफॉर्म कर पाते हैं तो आप नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा दीजिए। मतलब पहले हमने 5 बार किया, आप धीरे धीरे 10, 15, 20 प्रोग्रेसिवली एंड ग्रेजुअली आप अपने रेपिटेशन बढ़ा सकते हो। इसके अलावा ये तो सिंपली आपने पेशेंट्स के हाथ में दे दिया, उन्हें ग्रैब करा दिया और एक्सरसाइज परफॉर्म करवा दी। इसके अलावा जब पेशेंट और थोड़े लेटर स्टेजेस में आ जाते हैं जैसे स्टेज 3 एंड स्टेज 4 तो आप ये वेट बैंड उनके हाथ में भी बांध सकते हो जिससे वो इजिली विदाउट एनी सपोर्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाए। अब आप देख सकते हो कि मैंने ये वेट बैंड अपने हाथ में बांध दिया है। अब इससे क्या होगा और ये आपको कब करना है, इस चीज़ के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब पेशेंट्स एक्टिवली एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर पाते हैं, जब उनकी मसल स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, तब हमें पेशेंट से एक्सरसाइज करवानी है। टू बी वेरी फ्रैंक, पेशेंट्स के लिए इनिशियली ये कंडीशन या फिर ये वाली एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ वेट बैंड थोड़ी सी टफ हो सकती है, थोड़ी सी हैवी हो सकती है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपने पेशेंट के हाथ में ये बांध दिया है फिर भी इनिशियल कंडीशन में आपको सपोर्ट नहीं हटाना है, आपको अपना हाथ यहाँ पर रखना है और केयरफुली पेशेंट से एक्सरसाइज करानी है। पहले आप जब रिपीटेशंस करवाओगे, अब रिपीटेशंस आप 2 तरीके से करवा सकते हो, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सबसे पहले जो हमने पहली वाली एक्सरसाइज में किया सेम मूवमेंट ये वाली, और धीरे धीरे क्योंकि अब मसल एक्टिविटी बढ़ चुकी होती है तो आप अपना ये हाथ हटा सकते हो और फिर पेशेंट्स अपने रिपीटेशंस खुद से परफॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस। इसके भी 5 रिपीटेशंस। अब अगर एक्सरसाइज को थोड़ा सा और रेजिस्टिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, अभी मेरा हाथ इनिशियल स्टेज में, पेशेंट का हाथ भी ऐसे ही रहेगा, तो आपको करना क्या है, जब भी हाथ ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे वेट करना है फॉर 5 सेकेंड्स एंड यू कैन काउंट, आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन अगेन डाउन। दोबारा फिर से एक बार करेंगे, हाथ ऊपर गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड डाउन। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि अब पेशेंट के हाथ में वो इंड्योरेंस, वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि वो थोड़ा बहुत वेट उठा सकते हैं, और जब पेशेंट इजिली एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाए तो उसके बाद आप नंबर ऑफ रिपीटेशंस ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू कंफर्ट लेवल ऑफ पेशेंट। ये नहीं कि आप उन्हें ज़बरदस्ती बोल रहे हो कि नहीं कल तो 5 किए थे आज 10 करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उन्हें 1 हफ्ते तक या फिर 15 डेज तक आप उनको 5 रिपीटेशंस पे रखो, हमें जल्दी किसी बात की नहीं है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइजेस फोर्सफुली करवाते हैं तो हमें रिकवरी देखने को नहीं मिलती। तो जब तक पेशेंट के मन में ये खुद से नहीं आ जाता कि मैंने कल 5 किए थे आज मैं एटलीस्ट 7 कर सकता हूँ, तब तक आप उन्हें फोर्स मत करो। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में तो दैट इज़ फोल्डिंग, मतलब आप अपना हैंड ऐसे फोल्ड कर सकते हो, इसे हम कहते हैं फ्लेक्शन। तो आप अपनी ये एक्टिविटी खुद से कर सकते हो, इनिशियल स्टेज में थेरेपिस्ट या केयर गिवर फिर से असिस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर सेम 2 to 3 repetitions के बाद आप अपना हाथ हटा सकते हो और पेशेंट एक्टिवली एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। अब आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको पेशेंट्स की एक्सरसाइजेस मॉडिफाइड करनी है, कैसे आपको थोड़ा सा प्रेशर अपने पेशेंट्स पे बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप सेम रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस डेली कराते रहोगे तो पेशेंट्स की वो एबिलिटी खत्म हो जाती है और पेशेंट्स अपना माइंड, पेशेंट्स की न्यूरोप्लास्टिसिटी भी खत्म हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक्सरसाइज तो हमें आ गई है, ये तो एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो, बहुत ईजिली हो और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इंड्योरेंस वापस से आ सके। आई होप वीडियो आप सभी को समझ आई होगी, जो भी एक्सरसाइजेस मैंने परफॉर्म करी हैं वो आप सभी को समझ आई होंगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप ऑलरेडी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी रिकवरी एक स्टैटिक हो चुकी है, आपको रिकवरी नहीं मिल रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ वापस लेके आऊँ, तो डू कॉन्टैक्ट श्रेयास, हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड आपको बताएंगे कि कैसे अब आपको रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है एंड कितने रिपीटेशंस करने हैं, उसके साथ साथ कौन सी मेडिकेशंस लेनी है, कौन सी चीज़ों का परहेज करना है, क्या आपके डाइट प्लान्स हैं, ये सब भी हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।